का स्वागत करती हूँ और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है मेरा। तो ये मॉर्निंग का रूटीन है और यहाँ पर मैं बेडरूम में हूँ, पीछे बेडरूम साफ कर रही हूँ। काव्या ने सारा फैला रखा है तो सारे खिलौने ना सब फैला देती है वो, और यहाँ पर बेड साफ कर रही हूँ तो मैं फटाफट काम कर रही हूँ। आज आपसे लंच शेयर नहीं कर पाऊँगी, मुझे कहीं जाना है, तो कहाँ जाना है ये आपको ब्लॉग में पता चलेगा और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो बस सब लोग पीछे पड़ रहे हैं तो बस जाना है, और नहीं तो नहीं जाती मैं, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए पूरा फैला रहता है इस तरह से, ये मतलब नाइट में जितना फैलाना उतना फैला दो, फिर मॉर्निंग में उठ के वापस से साफ़ सफाई कर दो, देखो क्लीन हो चुका है लेकिन थोड़ी देर बाद वापस से फैल जाएगा। तो बस ये साफ़ करना और फैलना तो चलता रहता है, और हम हाउस वाइफों का भी यही काम रहता है, साफ़ करो और साफ़ करते ही रह जाओ बस, सुबह से मॉर्निंग से लेके नाइट तक पूरा यही काम रहता है। तो यहाँ पर देखिए साफ़ साफ़ तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद सीधे मैं नहाने जाऊँगी और कपड़े धोना है, तो कपड़े तो मैंने धो दूँगी बाद, लेकिन है ना उनको सुखाने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है मुझे। तो यहाँ पर मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ। और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि चैलेंजिंग वीडियो बनाओ, चैलेंजिंग वीडियो, और उसके लिए फिर मुझे सोचा कि थोड़ा अलग से ही बना दूं, क्योंकि व्लॉग में नहीं ऐड हो पाता है, व्लॉग इतने लंबे लंबे हो जाते हैं, उसके बाद चैलेंजिंग वीडियो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कोशिश करती हूं कि व्लॉग में डाल दूं, और यहाँ पर ये कचरा सारा इकट्ठा हो गया तो इसको फेंक देती हूँ, मतलब डस्टबिन में डाल देती हूँ, कल कचरा वाला आएगा तो उसको दे देंगे, क्योंकि अभी तो चला गया है कचरा वाला। और यहाँ पर मैं कचरा डस्टबिन में डाल के और अब मैं नहाने जाऊँगी, नहाने जाने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये फटाफट कचरे को डाल देती हूँ। यहाँ पर मेरा फेस कवर हो चुका है और मैं आ गई हूँ हैंकी और मोबाइल लेकर। तो हैंकी और मोबाइल के साथ में मुझे अपना सेकेंड वीडियो बनाना है, जिसमें मुझे बोला गया था कि आप और दूसरे तरीके से आप हैंकी और मोबाइल के साथ में वीडियो बनाइएगा, तो वही वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। तो आज जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप हैंकी को कमर में लगा के और मोबाइल को भी कमर में टक करके आप काम कर सकते हो, लेकिन और सेफ्टी से आप किस तरह से मोबाइल को हैंकी के साथ टक करके और काम कर सकते हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज। तो यहाँ पर ये हैंकी है, देखिए ये हैंकी है और बहुत ही अच्छा ट्रिक, बहुत ही अच्छा हैंकी ट्रिक बता रही हूँ मोबाइल के साथ में, आप किसी फंक्शन में भी इसको आप लगा के जा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये है, और किसी पर्स की भी ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, इस तरह से हैंकी ट्रिक बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर ये जो कॉर्नर है ना, ये वाला कॉर्नर है, इसको यहाँ पर ऊपर वाले कॉर्नर के बीच में यहाँ लिया है, इतना हाँ छोड़ दिया पोर्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ का जो पोर्शन है ये वाला, ये जो कोना है, ये वाले कोने को यहाँ ले आए, ये वाले कोने को यहाँ ले आए और इस तरह से कर लिया, ठीक है, ये वाला इस तरह, इसी तरह से ये वाले कोने को भी लेके जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से बन गया, इस तरह से बन गया है। तो यहाँ पर ये तीनों कॉर्नर, ये तीनों कोने यहाँ पे आ गए हैं, ये देखिए एक दो और ये तीन कोने आ गए हैं, तीनों को हमने यहाँ ले लिया है। उसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, ये देखिए ठीक है ना, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना है, बस ये लेना है, एक डिज़ाइनर पिन लेनी है, जो भी साड़ी आप पहन रहे हो उस मैचिंग की आप डिज़ाइनर पिन ले लीजिए और इसको यहाँ से इस तरह से ये पिनअप कर दीजिए, ये देखिए इस तरह से पिनअप कर दिया है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको हैंकी को घटा करना है, ये जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर इतना टक करना है आपको, इसको अंदर इतना लेना है, इस तरह से इतना कोना टक करना है, मतलब ये हल्का सा कोना और ये कोना अंदर जाना चाहिए। तो इस तरह से मैं इसको इस तरह से टक कर लिया, और ये पिन है, ये पिन की डिजाइन है, इस तरह से ये हैंकी टक हो गया हमारा और ये कॉर्नर भी टक हो गया। उसके बाद ये मोबाइल है, इस मोबाइल को लेके ये मोबाइल को भी हमने टक कर लिया, जैसे भी आप रख के और काम कर सकते हो, कहीं नहीं जाएगा आपका मोबाइल,
हैंकी के साथ मोबाइल को टक कर लिया है और अब हम करते हैं काम। तो मुझे करना है, आज मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो मैं ज़्यादा आपके साथ कुछ भी नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि हॉस्पिटल जाना है। बहुत दिनों से मेरा पैर दर्द कर रहा है तो आज तो मुझे जाना ही है। अगर आज नहीं गई ना तो फिर मुझे बार बार जो बोलती हूँ ना, पैर दर्द हो रहा है, ये मुझे बोलना बंद करना पड़ेगा। मुझे बहुत डांट पड़ चुकी है कि जब दर्द हो रहा है तो हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे हो, घर में क्यों बार बार बोले जा रहे हो। तो इसीलिए आज मैं जाऊँगी हॉस्पिटल और इसीलिए सुबह का लंच मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। अभी मैं सीधे कपड़े सुखाऊंगी क्योंकि कपड़े पड़े हैं सुखाने के लिए, उनको मैं सीधे वॉशिंग मशीन में डालूंगी और फिर कपड़े सुखा के और फिर मैं जाती हूँ। तो सीधे मैं कपड़े सुखा के और फिर मैं हॉस्पिटल जाऊँगी, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी। तो मुझे लगता है शायद मैं इवनिंग में शाम को ही मिल पाऊंगी आप लोगों से। तो चलिए मैं कपड़े सुखा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ चौक में और यहीं पे मेरी मशीन रखी रहती है और मशीन को खसका लेती हूँ क्योंकि मशीन को मैं एक साइड ही रखती हूँ और जब भी मुझे इस तरह से सुखाना या धोने रहता है कपड़े तो मशीन को खसका के लाना पड़ता है और फिर पूरा मतलब नली वली सब लगाओ और उसके बाद फिर कपड़े धो या फिर सुखाओ। तो अंदर बच्चे लेटे हुए हैं और चाय भी नहीं बनाई अभी मैंने, तो पहले मैं इनका कपड़े कपड़े सुखा लेती हूँ उसके बाद फिर चाय बनाऊँ क्योंकि अभी सो रहे हैं बच्चे और आज जाने कैसे सो गए इन लोग, नहीं तो इन लोग को नींद नहीं आती है लेकिन आज सो गए हैं। और ये गाड़ी है ना कुछ इस तरह से खड़ी कर देते ना कि कुछ और काम नहीं हो सकता है, तो ये गाड़ी को पहले मुझे व्यवस्थित रखनी पड़ती है। अगर इनके पापा गाड़ी लेके जाते हैं तो बस ऐसे ही वो चौड़े में रख देते हैं उसको, मतलब इधर खसका के रख देते हैं गेट के सामने। और ये मैंने हैंकी देखी इस तरह से टक कर रखा है और बहुत सेफ़ है ये। और अगर आपके पास कोई डिज़ाइनर पिन हो ना साड़ी से मैचिंग की तो आप लगा सकते हो, तो ये मतलब आपके हैंकी और मतलब बहुत अच्छा लुक देगी। तो मैंने आपको लगाना बताया है किस तरह आप हैंकी के साथ में मोबाइल को अंदर करके टक कर सकते हो, तो आपका देखिए मोबाइल भी सेफ रहेगा और हैंकी भी टक रहेगा। और अगर आपको एक्स्ट्रा हैंकी चाहिए तो साथ में लगा लीजिए, तो वो वीडियो में बहुत जल्दी लेके आऊँगी आपके साथ में एक्स्ट्रा हैंकी वाला। तो यहाँ पर देखिए ये सारे कपड़े मैं सुखा देती हूँ क्योंकि ये कपड़ों को सुखाने के बाद फिर मेरे पास टाइम नहीं रहेगा क्योंकि उसके बाद मुझे सीधे हॉस्पिटल जाना, वहाँ पर पता नहीं कितनी देर लगे। अभी जब बोल ही रहे हैं लोग तो चली जाती हूँ, नहीं तो फिर वो चिल्लाएंगे, वो तो डांट तो मुझे वैसे भी पड़ रही है क्योंकि मुझे 8 दिन हो जाएंगे पैर को लेके बैठे हुए और रोज़ रोज़ इनको बोल रही हूँ मैं दर्द कर रहा है, लेकिन वही है कि जा नहीं रही हूँ। तो आज तो चली जाती हूँ मैं, आज मौका मिला है जाने का तो चली जाती हूँ। तो यहाँ पर ये कपड़े सूख गए हैं तो बस अब इनकी घड़ी करके और मैं चली जाती हूँ क्योंकि कल रात को मुझे गोदरेज की फिर से उसी फिंगर पे लगी जिसमें मुझे पहले लगी थी, तो वो ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो यहाँ पर सारे कपड़ों की घड़ी करके ये सूखे हुए कपड़े तो इनको रख के और फिर मैं जाती हूँ और यहाँ पर ये निकाल देती हूँ क्योंकि अब मुझे जाना हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में तो वैसे ही बहुत कम सामान लेके जाना है। हेलो सभी को, और कैसे हैं? तो यहाँ पर अभी बज रहा है शाम का 6 और ये मोबाइल टक कर रखा है मैंने हैंकी के अंदर और मतलब हैंकी को फोल्ड करके, और बहुत सेफ़ है देखा जाए तो। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा काम करते समय इस तरह से हैंकी के साथ मोबाइल को ज़रूर टक करिएगा। और यहाँ पर मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, मैंने अभी गैकटॉक वीडियो भी बनाया था तो वो अपलोड करा इस वजह से लेट हो गई थोड़ी। और यहाँ देखिए ये मैंने टक कर लिया है। तो इनके पापा को खाना है चिकन विथ ऑमलेट, तो चिकन के साथ में ऑमलेट में मतलब अंडे को फेट किए और फिर ऑमलेट जैसा बना रही हूँ तो बहुत टेस्टी लगता है। आप ज़रूर बना के देखिएगा एक बार, इनके पापा ने बोला था ऐसे बनाओ तो मैंने बनाया तो बहुत टेस्टी लगा था ये। तो इस रेसिपी को मैं प्रॉपर अपने हाउ टू मेक पे शेयर करूँगी बहुत जल्दी। और ये अभी तो मैंने आपको इसी तरह से बता दिया क्योंकि चिकन फ्राइड रखा था तो उसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड करा है, आपने देखा होगा। तो काव्या ने शायद वहाँ से जीप चुड़ाई थी तो उसको भी हैंकी टक जो वीडियो है ये वाला हैंकी स्टाइल है ना बहुत अच्छा लग रहा था, वो बार बार बोल रही थी मुझे। और यहाँ पर ये ऑमलेट बन गया है तो इनके पापा टमाटर सॉस और प्याज के साथ में खाएंगे, तो उन्होंने बोला कि इस तरह से मुझे देना खाने के लिए। और मतलब रोटी वोटी कुछ नहीं खाएंगे वो, सिर्फ इसी को खा के रह जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा बना है ये। और तो बस उन्होंने मना करा खाना खाने के लिए, तो बस उनके लिए मैंने ये बना दिया। और बच्चों के लिए ऑमलेट और पराठा बनाऊंगी, तो वहाँ पर रखे अंडे तो काव्या और इनके लिए तो ऑमलेट और पराठा बनेगा, अगर ये खाएंगे तो ठीक है नहीं तो फिर ऑमलेट पराठा ही बनाऊंगी। तो देखिए बहुत मैंने भी खा के देखा था ना, सही में बहुत टेस्टी बना था ये। तो इसको मैं ज़रूर अपने हाउ टू मेक पे ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी और अगर आप बोलोगे ना तो यहाँ पर भी मैं प्रॉपर शेयर कर दूँगी। अगर जो नहीं खाता है तो प्लीज़ नहीं वॉच करिएगा इसको, तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है दिखने में, खाने में बहुत टेस्टी है। तो ये बस आज की मेरी रेसिपी थी, बस इतनी सी शेयर करूँगी, इसके बाद मैं अपना ब्लॉग एंड करूँगी। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।